हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि भाई आपकी वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने अमेजन से सबसे सस्ता माइक मंगाया है, आप देख लीजिए। इससे अब हमारी आगे की वीडियोज़ की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो क्या क्या मिलेगा और कैसा ये माइक है, क्या क्वालिटी है, और अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से और इससे भी रिकॉर्ड करके देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंस कितना आता है। और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए एक बार इसको खोल के देखते हैं और इसकी पूरी टेस्टिंग करते हैं और सभी फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, हमारा माइक्रोफोन काफ़ी सस्ता है और इसीलिए ये एक सिंपल सी पॉलीथिन के अंदर पैक हो गया है। और ऊपर की तरफ मेरा एड्रेस वगैरह लिखा है और कहाँ से ये आया है उसका एड्रेस लिखा है। तो चलिए इसको खोलते हैं और अंदर देखते हैं क्या है। दोस्तों तो माइक काफ़ी सस्ता है, इसलिए पैकिंग भी काफ़ी सिंपल सी की गई है। और इस पाउच के अंदर हमारा माइक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्वाइनिशर रैपर है और मेन चीज़ हमारा माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन को चेक करते हैं वो कैसा है। देखिए दोस्तों, इस पॉलीथीन के अंदर माइक्रोफोन रखा हुआ है। दोस्तों अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो मैंने काफ़ी सस्ते मंगाया है, केवल 160 रुपये में इसको मंगाया है अमेजन से। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। और सबसे पहले मैं दिखाऊं, इसमें 3.5 mm वाला जैक है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है और वायर भी ज़्यादा मोटा नहीं है, जैसे आपके ने ईयरफोन्स देखे हैं उससे ये पतला ही है। और एक बार मैं आपको इधर वाला पोर्शन दिखाऊं, तो इसमें एक आपका क्लैप टाइप दिया हुआ है जैसे कि आप अपनी शर्ट वगैरह में लगा सकते हैं इसको। और ये माइक है, इसके ऊपर कुछ फोम टाइप है जिससे कि ये नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है। और ओवरऑल मैंने इसके एक दो वीडियो देखे थे, वो लोग बता रहे थे काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है कुल मिला के। और एक्चुअल जो माइक है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। और इसको इस पर चढ़ा देते हैं और इसकी हम टेस्टिंग भी करने वाले हैं अभी। और ये इसका क्लिप है और इसको भी इसमें लगा देते हैं। ये क्लिप इसलिए दिया है दोस्तों, जैसे आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो आप इसको अपनी शर्ट वगैरह में लगा सको। तो एक बार दोस्तों मैं आपको इसकी वायर की लेंथ और चेक करा दूं। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी लंबा वायर है, अभी ऐसे नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है, और अभी इसकी मैं आपको हाइट दिखा दूँ। ये धरती पर टच हो गया और अभी यहाँ मेरी हाइट है करीब 5.5 feet और मेरे यहाँ पे आ रहा है, तो करीब करीब आप मान सकते हैं 5 feet की इसकी हाइट है, जिसको जनरली 1.5 meter भी हो गया। तो अभी मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और आपको फिर थोड़ी देर में इसका रिव्यू टाइप छोटा सा इनिशियल इंप्रेशन वाला देने वाला हूँ कि कैसा लगा और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी दिखाने से पहले मैं बता दूँ, अभी ये वाली फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, माइक्रोमैक्स N1 के, और अभी जैसी भी क्वालिटी है आप सुन सकते हैं। और अभी आसपास नॉइस तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जैसी क्वालिटी है वो आप इससे सुनिए। और अभी मैं आपको स्विच करता हूँ माइक पे। अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं आप माइक से और इसी से सेव हो रही है। हो सकता है आपको डिफरेंस फील ना हो रहा हो क्योंकि साउंड का मामला है, आपको ईयरफोन लगाने पड़ेंगे तब डिफरेंस फील होगा। लेकिन अभी मैंने जितना भी टेस्ट किया है तो हाँ, जरूर 20-30% का तो अंतर आ रहा है। नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा कर रहा है ये। और जितनी इसकी कीमत है, तो इसको मैंने 160 रुपये में ख़रीदा है, आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब का बटन इधर आ रहा होगा उसको दबा दीजिए, आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहेगा। जय हिंद दोस्तों।